नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन टीवी में और मैं शिवानी शर्मा। आज हम बात करेंगे भारत में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर। तो आइए लोगों की राय जानते हैं उन पर। सर, जैसे कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भाजपा की सरकार है, तो ये माननीय जो नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल ने पूरे देश को पीछे करने का काम किया है। सर, जैसे कि उस दिन भारत बंद था, तो इसमें कोई साजिश है या फिर ये लोगों की भलाई के लिए? नहीं नहीं, ये जो गरीब जनता है या मीडियम क्लास की जनता है, वो पूरा देश इस चीज़ के मतलब इस चीज़ को लेकर ठीक समझ रहा है कि ये देश बंद ठीक हुआ है। जैसे कि मैम, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसमें घर में आपको कुछ इम्पेक्ट पड़ रहा है? घर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज अर्लियर इफ इट इज़ लेस एंड नाउ इट इज़ मोर, तो इट इज़ गोइंग फ्रॉम माई पॉकेट ओनली, सो इट इज़ इम्पैक्टिंग इन एनी केस लाइक माई फाइनेंशियल दिस थिंग। तो आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे कि प्राइस जल्दी से जल्दी कम कर दीजिए? ऑफकोर्स कहना चाहूँगी कि प्राइस जल्दी से कम कर दीजिए। यू शुड वर्कआउट ऑन समथिंग सो दैट वी कैन कम आउट विद सम वाइबल काइंड ऑफ सोल्यूशन, जहाँ पे एवरी डे शुड नॉट बी लाइक इंक्रीजिंग द वे इट इज़ इंक्रीजिंग नाउ। सम कंट्रोल मेजर हैज टू बी टेकन आई गेस। बिल इज़ हियर। लास्ट टाइम टैंक फुल हो जाता था 2200-2300 में, अभी 2700 में फुल हो रहा है। 2019 में पता लग जाएगा। मैम, घर की क्या प्रॉब्लम्स होंगी? घर में तो पहले भी प्रॉब्लम्स ही चल रही थी, जब से ये सारी चीज़ें हैं तो महंगाई, इसके साथ साथ जैसे डीजल पेट्रोल आजकल हर कोई यूज़ करता है और हर किसी के यूज़ की चीज़ है, तो इसमें मैं अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि जो जायज़ चीज़ हो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है लोगों की भलाई का देखना और लोगों को जो चीज़ें सेटिस्फाई करें या उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें, वो चीज़ें देखना। अब आदमी मजबूरी में डलवाएगा ही, क्योंकि वो और चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल एक कंपलसरी चीज़ है, नेसेसिटी है। जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, एटलीस्ट उस पर रेट्स कम होने चाहिए, और जो जनरल रेट्स होते हैं बाकी जिस रेट्स पे मिलता है, उस पर इतनी कमाई ना करें कि लोगों को प्रॉब्लम होने लगे। अगर जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भारत बंद था, तो उसे या उनकी बीजेपी की साजिश थी या फिर लोगों की भलाई के लिए ये सब? मैम, भारत बंद कांग्रेस ने करा था, बीजेपी का तो उसमें कोई रोल नहीं था। और बाकी ये है कि अगर भारत बंद करा था, तो जब बीजेपी अपोजिशन में थी और कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, तब भारत बंद काफ़ी बार हुआ था, तो तब लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आज एक बार भारत बंद होने से प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस या कोई भी पार्टी, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो, अगर वो कोई स्टेप लेते हैं तो उस चीज़ को हिंदू मुस्लिम चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। पेट्रोल डीजल सबकी प्रॉब्लम है, चाहे उसमें भक्त हों, चाहे उसमें हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, सिटीजन्स की प्रॉब्लम है इंडिया के। तो उस चीज़ को कोई भी गवर्नमेंट हो, यही अपील है कि उस चीज़ का सोल्यूशन निकालें और इन चीज़ों को, हर चीज़ को पॉलिटिक्स से ना रिलेट करके नॉर्मल लोगों की, सिटीजन्स की भलाई के लिए कोई काम करें। सर, जैसे कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको GST में लागू करना चाहिए? GST से हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। अगर उससे रेट कम होते हैं तो ज़रूर लागू हो जाना चाहिए। और जैसे कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं दिन भर, घटने की जगह, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? हर तरफ तो ये बता रहे हैं कि यहाँ के कारण नहीं है, बाहर के कारण है, मगर फार्मूला तो इन्होंने ही बनाया है कि कैसे रेट बढ़ेगा कैसे घटेगा, और सारे टैक्स बढ़ा के पहले रेट बढ़ा लिए थे, अब उसको तो हटा ही देना चाहिए कम से कम। तो जैसे कि आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईएन टीवी।